राजपुरा कुलोर के खदान में डूबा एक बच्चा तलाश जारी। कुमार दिवीसील मुगमा क्षेत्र अंतर्गत राजपुरा कुलूर के खदान में सोमवार की सुबह कालीमंडा निवासी रोशन कुमार पासवान 12 वर्षीय बच्चा नहाने के क्रम में डूब गया। डूबे लगभग घंटों बीत गए लेकिन बच्चे का कुछ पता न चला। स्थानीय लोगों द्वारा बच्चे की तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के दर्जनों लोग राजपुरा खदान पहुंच गए। बच्चे के डूबने की सूचना मिलते ही गर्भवाड़ी पुलिस भी पहुंच गई। मछली मारे प्रत्यक्षदर्शी का कहना कि बच्चे को काफी मना किया कि छलांग मत लगाओ, परंतु वह किसी की बात नहीं सुना और छलांग लगा दिया, जिसकी सूचना उसके पिता सुरेश पासवान को दी गई। सूचना मिलते ही मोहल्ले के लोग भी जुट गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ यही है कि लगभग 10:30-11 बजे तीन बच्चा यहाँ नहाने के लिए आए हुए थे और उसमें से एक बच्चा 12 साल का जो डूब गया है। अनुमान लीजिए तब से प्रयास जारी है। अभी मुनिडी से डुबुरी आ रहा है और बच्चा को निकालने का ही हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। निर्सयपुर विधायक रूप चटर्जी से आइए बात करते हैं इस संदर्भ में। देखिए ECL, BCCL और DVC में लगातार इस तरह की घटना धनबाद जिला में होती रही है। ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है जो ना DVC में ना ECL ना BCCL अपनी रेस्क्यू टीम में गोताखोरों पर रखता है। और इनफैक्ट NDRF की जो टीम है रांची से आने आती है, NDRF की भी एक यहाँ पर ऑफिस बनाने की बात थी, यहाँ पर भी एक सेंटर बनाने की बात थी, वो भी नहीं है। तो NDRF एकमात्र रांची का पूरी झारखंड कवर भी नहीं कर पाता। ऐसी दुर्घटनाएं घटती रहती है लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। लोग ऊपर के भरोसे रहते हैं जो भगवान कब चीज़ों को ठीक करे, अगर उनकी नसीब अच्छा है तो वो उठ के आ जाते हैं, अगर नसीब ख़राब है तो फिर उसकी डेड बॉडी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो पूरी चीज़ों पर हमको लगता है जो सरकार को विचार करना चाहिए और NDRF की भी और भी रीजनल ऑफिसर्स बनाना चाहिए, और भी टीम बनानी चाहिए, और साथ साथ ECL, BCCL या DVC को कम से कम इमीडिएटली गोताखोरों को अपने अधीन ये करना है। ठीक, धन्यवाद। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।